दोस्तों की हाल चाल है जी। एक बार फिर तो स्वागत है तुहाडा साडे YouTube चैनल बिग स्टार बायो दे विच। दोस्तों अज दी इस वीडियो दे विच अज आपां सिख कौम दे राखे तूफान सिंह जणी की जुगराज सिंह दी गल करन जा रहे हां, जिन्हां ने सिख कौम दी राखी दे लई अपनी जान तक भी वार दित्ती आ। सो दोस्तों तुसीं इस वीडियो नूं शुरू तों लैके अंत तक जरूर देखियो। अज आपां तूफान सिंह दे जीवन बारे विस्तार दे नाल गलबात करांगे ते नाल ही गलबात करांगे आखिर क्यों उन्हां नूं हथियार चुकने पै गए सी। सो दोस्तों जेकर तुसी साडे चैनल ते नवे हो तां साडे चैनल नूं सबसक्राइब भी कर लो, क्योंकि आपां इसे तरह दीआं वीडियो अपने चैनल ते अपलोड करते रहने हाँ। चलो दोस्तों शुरू कर दे अज दी ये वीडियो। गुरराज सिंह दा जन्म 1971 दे विच माता हरबंस कौर दी कुखों अते पिता महिंदर सिंह दे घर पिंड चीमा दे विच होया सी। गुरराज सिंह दे परिवार दे विच इन्हां दीआं पंज भैणां रहिंदियां सन अते ओह अपने मापिआं दा इकलौता पुत्तर सी। आपां जुगराज सिंह दे विआह दी गल करिए तां दोस्तों उन्हां दा विआह हो चुक्किआ सी। जुगराज सिंह शुरू तों ही भगत सिंह जी की जिंदगी तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित सी। युगराज सिंह ने अपनी मुढ़ली सिक्ख्या श्री हरगोबिंदपुर के भूषण स्कूल तो पूरी की। युगराज सिंह ने दसवीं की पढ़ाई भगतूपुर तो पूरी की। युगराज सिंह जदों उसकी उम्र तकरीबन 13 साल की सी तो उस समय इंदिरा गांधी ने 1984 श्री हरिमंदर साहिब से फौज के हमले का आदेश दिता सी। श्री अकाल तख्त साहिब के विनाश ने युगराज सिंह नूं सदमा अते सट मारी है अते उस दी युद्ध करन दी भावना जाग उठी है। युगराज सिंह ने उस दिन तो धार लिया सी कि ओह सिखां नाल हो रहे धक्के नूं बिल्कुल ही ज़्यादा खत्म कर देवेगा अते सिखां लई अते सिक्खी लई ओह जान भी वार देवेगा। युगराज सिंह नूं अपने बचपन के दिल नाभा जेल दे विच भी बिताने पै गए सी कि सिखां दे उत्ते जुल्म कर रहे हथियारियां नूं। युगराज सिंह की इस योजना बारे पता लग गया सी। युगराज सिंह ते जेल दे विच बहुत ही ज़्यादा जुल्म किए गए पर ओह डटे रहे। जेल विच उसने मनवीर सिंह चहेड़ू अते बलदेव सिंह दे नाल मुलाकात की। बलदेव सिंह ने युगराज सिंह नूं कहा कि तू इन्हां लड़ाइयां दे विच ना पै क्योंकि तू अपने मापिआं दा इकलौता पुत्र है। हालांकि युगराज सिंह यह अपना रास्ता कदे भी बदल नहीं सकता सी। वह अपना जीवन सिख पंथ लई कुरबान कर देना चाहुंदा सी। युगराज सिंह ने इस जुल्म तो तंग आके हथियार चुक ले। 1987 खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के मुखी अवतार सिंह वर्मा के संपर्क के आया अते उन्हें भी सिखां दे इस संघर्ष के हिस्सा ले लिया। इन्हां ने इस संघर्ष विच बेकसूर लोगों ते गोली नहीं चलाई। इन्हां दा मकसद सिखां दे हो रहे बेबुनियाद धक्के नूं खत्म करना सी। तूफान सिंह जिस इलाके दे विच रहिंदा हुंदा सी उस इलाके विच सारे लोग अपने आप नूं सुरक्षित महसूस करदे सन। उसने सब तो पहलां पंजाब दे आर्मड पुलिस हैडक्वांटर दे पुलिस अफसर गोविंद राम नूं खत्म किया क्योंकि वह सिख बीबियां ते बेबुनियाद धक्का कर रहा सी। एक पासे सिंह नूं सिख समाज का समर्थन प्राप्त सी अते दूजे पासे पुलिस वल उसनूं फड़ना चाहुंदी सी। इस तरह युगराज सिंह ने सिखां ते धक्का करन वाले गुनहगारां तों बदला लिया। दस्सिया जांदा है कि उन्हां दी गोली चलाउण दी स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ होया करदी सी, इस करके उन्होंने तूफान सिंह के ज नाम नाल भी जाणिया जाता है। 8 अप्रैल एक बार भाई युगराज सिंह जी बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गए सी तो किसी मुखबर ने पुलिस युगराज सिंह दे होण दी ही कर दिती। 8 अप्रैल 1990 हरगोबिंदपुर नेड़े एक पिंड दे विच पुलिस आ गई अते पुलिस ने उस पिंड चारे पासे तो घेरा पा लिया। युगराज सिंह उस दिन 8 अप्रैल 1990 शहीद हो गए। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार युगराज सिंह ने 150 कतलेआम किए हैं। उस दे संस्कार के दिन अंदाजा लगाया जाता है कि वह लगभग 4 लाख लोग
ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਭਾਈ ਯੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ ਸੀ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।